सो बजाज पल्सर 125 जो है ये काफी ज्यादा बढ़िया मोटरसाइकिल है। इस वाले मोटरसाइकिल में आप लोगों को पावर देखने के लिए मिलती है, इसमें आप लोगों को टॉर्क देखने के लिए मिलता है। पल्सर का जो एंथुजियाज्म है वो आप लोगों को इस वाले मोटरसाइकिल में जो है वो आप लोगों को एकदम अच्छे तौर पर जो है वो देखने के लिए मिलता है। लेकिन इस वाले मोटरसाइकिल में जो है वो एक प्रॉब्लम भी है, जो कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये वाली प्रॉब्लम जो है वो आती है। वो प्रॉब्लम है बेसिकली बजाज पल्सर 125 की माइलेज की प्रॉब्लम। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो है वो मुझे बताते हो कि भाई आप लोगों की बाइक जो है वो 35, 40, 45 तक का जो है वो माइलेज दे रही है, विच इज नॉट एक्चुअली रियली गुड माइलेज फॉर अ कम्यूटर मोटरसाइकिल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है वो बजाज पल्सर 125 के माइलेज के ही बारे में जो है वो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। इसमें मैं आप लोगों को कुछ सोल्यूशन भी बताऊंगा जिससे कि आप लोग जो है वो अपने बाइक का माइलेज को इम्प्रूव कर सकते हो। So, चलो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बजाज पल्सर 125 की ये जो माइलेज वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये वाली जो प्रॉब्लम है बेसिकली उन लोगों को आती है जिनके बाइक में कार्बोरेटर है। मतलब अगर आप लोगों की बजाज पल्सर 125 जो है वो अगर कार्बोरेटर बेस्ड अगर मोटरसाइकिल है तो उस वाले बाइक में आप लोगों जो है वो ज्यादा बेटर माइलेज नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिससे कि आप लोग जो है वो अपने बाइक की माइलेज को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे कि अगर आप लोगों को अपने बाइक में अगर थोड़े से अगर बेटर क्वालिटी का इंजन ऑयल अगर यूज अगर करते हो ना, तब इस चीज की जो है वो चांसेस होते हैं कि आप लोगों की बाइक जो है वो ज्यादा बेटर माइलेज दे डिस्पाइट दैट हैविंग अ कार्बोरेटर इन योर मोटरसाइकिल। सो अगर आप लोग मेरे से अगर पूछोगे कि बजाज पल्सर 125 के लिए सबसे बेस्ट इंजन ऑयल जो है वो कौन सा होगा, तो मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप लोग जो है वो अपने बाइक के लिए मोतूल का 5100 10W30 इंजन ऑयल जो है वो आप लोग अपने बाइक में डालो, है ना। ये वाला जो इंजन ऑयल है मतलब काइंड ऑफ सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल है। इस वाले इंजन ऑयल का बेसिकली काम ही यही है कि ये वाला इंजन ऑयल जो होता है मतलब कम्यूटर बाइक्स के लिए बनाया जाता है, जैसे 125cc 150cc। तो इस वाले मोटरसाइकिल में ये वाला जो सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल है ना, ये मतलब काफी ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा किसी जेनेरिक इंजन ऑयल से, क्योंकि मोतूल जो कंपनी है बेसिकली काइंड ऑफ प्रीमियम टाइप का इंजन ऑयल जो है वो बनाती है ना, जो ये मतलब काफी ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। मोतूल का 5100 इज द बेस्ट फॉर बजाज पल्सर 125 क्योंकि ये वाला इंजन ऑयल जो है ये सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल है। सो एक तो सोल्यूशन एक ये हो गया कि आप लोगों को अपने बाइक में जो है वो मोतूल का 5100 सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल जो है वो आप लोगों को डालना चाहिए, जिससे कि मतलब आप लोगों की बाइक की जो इंजन है वो मतलब ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग जो है वो एक और आप लोग काम कर सकते हो अपने बाइक के माइलेज को इंक्रीज करने के लिए, वो काम आप लोग ये कर सकते हो कि आप लोग अपने बाइक में बेसिकली ऑयल ट्रीटमेंट का यूज जो है वो कर सकते हो। ऑयल ट्रीटमेंट अगर आप लोगों को नहीं पता है तो ऑयल ट्रीटमेंट एक टाइप का एक जेल एक आता है जो कि आप लोगों की बाइक की इंजन ऑयल के साथ ही आप लोगों की बाइक के इंजन में जाता है। इसका काम भी आप लोगों के बाइक के इंजन को जो है वो स्मूथ करना होता है। मतलब मोतूल का जो इंजन ऑयल है वो आप लोगों की बाइक के इंजन को स्मूथ कर ही रहा है, लेकिन अगर आप लोगों की इस वाले बाइक में ऑयल ट्रीटमेंट भी अगर डाल दोगे तो आप लोगों की बाइक जो है वो डबल स्मूथ हो जाएगी। और जितना ही आप लोगों की बाइक जो है वो स्मूथ होगी उतना ही आप लोगों को जो है वो अपने बाइक से ज्यादा अच्छा माइलेज देखने के लिए मिलेगा। सो ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है ना, ऑयल ट्रीटमेंट प्लस मोतूल का 5100 इंजन ऑयल, ये कॉम्बिनेशन जो है ये मतलब काफी ज्यादा बढ़िया कॉम्बिनेशन है। अगर आप लोगों इन दोनों चीज को अगर यूज अगर करोगे तो आप लोगों की बाइक का जो माइलेज है वो कहीं ना कहीं 50 से लेके 55 तक जो है वो आप लोग अचीव कर सकते हो आराम से इस वाले बाइक में, कार्बोरेटर होने के बावजूद भी। फ्यूल इंजेक्शन का बेसिकली जो है वो फायदा डेफिनेटली जो है वो देखने के लिए मिलता है। फ्यूल इंजेक्शन एकदम प्रिसाइस वे में आप लोगों की बाइक के इंजन में तेल को भेजता है, जिससे कि मतलब आप लोगों की बाइक का जो माइलेज है वो मतलब ज्यादा बढ़िया निकल के आता है जैसे इस वाले बाइक का। लेकिन अगर आप लोगों की बाइक में अगर कार्बोरेटर है तब भी मतलब आप लोग अपने बाइक से ज्यादा बेटर माइलेज निकाल सकते हो, है ना, इन दोनों चीज का यूज करके। इसी के साथ ही साथ आप लोग जो है वो कुछ काम आप लोग जो है वो और कर सकते हो, जैसे कि अगर आप लोगों की बाइक से अगर माइलेज अगर नहीं मिल रहा है ना, तो उसका रीजन कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आप लोगों की बाइक में या तो कोई कचरा फंसा हो या फिर मतलब लोगों की बाइक का जो इंजन है उसकी मतलब सर्विसिंग जो है वो नहीं हुई हो। सो आप लोग जो है वो इन कुछ चीजों का भी जो है वो आप लोग ध्यान रखना है कि आप लोग अपने बाइक के इंजन को प्रॉपरली सर्विस करा लो। प्रॉपर सर्विस से मेरा मतलब क्या है कि जैसे सर्विसिंग में बेसिकली वो लोग जो है जितने भी बाइक के फिल्टर्स होते हैं ना, जैसे ऑयल फिल्टर हो गया, एयर फिल्टर हो गया, इन सबको क्लीन करते हैं। सो ऑयल फिल्टर बेसिकली बजाज पल्सर 125 का जो है वो आप लोगों को इंजन के पास जो है वो देखने के लिए मिलता है, तो वो जो है वो बहुत ही ज्यादा गंदा हो जाता है। अगर आप लोगों को अपने बाइक में अगर मतलब बेकार क्वालिटी का या फिर जेनेरिक टाइप का इंजन ऑयल अगर डालते हो तो, क्योंकि वो वाला इंजन ऑयल जो होता है मतलब वैसे ही होता है, काम चलाऊ होता है, तो वैसे केस में क्या होता है कि आप लोगों की बाइक का जो ऑयल फिल्टर होता है वो गंदा हो जाता है, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो खराब हो जाता है, तो खराब में डेफिनेटली उसको जो है वो चेंज कराया जाता है, लेकिन उसको साफ भी जो है उसको कराया जा सकता है। सो अगर आप लोगों की बाइक का जो ऑयल फिल्टर है अगर ये अगर खराब हो गया या फिर गंदा हो गया है तो इसको क्लीन करवाना जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। बहुत सारे लोग जो है वो इसको भूल जाते हैं लगा के, और फिर उन लोगों की बाइक जो है वो जब माइलेज नहीं देती है तो मतलब फिर प्रॉब्लम होती है। सो ऑयल फिल्टर को आप लोगों जो है वो साफ करवाना है। एयर फिल्टर डेफिनेटली आप लोगों जो है वो साफ करवाना है, क्योंकि अगर एयर अगर नहीं रहेगी तो आप लोगों की बाइक जो है वो स्टार्ट कैसे होगी, स्टार्ट अगर हो भी गई तो मतलब माइलेज इतना ज्यादा अच्छा जो है वो नहीं दे पाएगी। सो इन दोनों चीजों का जो है वो आप
लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों की बाइक का जितने भी फिल्टर्स हैं वो सारे फिल्टर बेसिकली मतलब एकदम अच्छे क्वालिटी में एकदम रहने चाहिए, है ना, एकदम अच्छे कंडीशन में रहने चाहिए, जिससे कि आप लोगों की बाइक जो है वो ब्रीथ जाते अच्छे से कर पाए और मतलब आप लोगों की बाइक जो है वो स्ट्रगल ना करे, है ना। ये दो चीज़ हो गई। इसके अलावा आप लोगों को जो है वो अपने बाइक का जो स्पार्क प्लग होता है ना उसको भी आप लोगों को जो है वो चेंज करना रहता है। डेफिनेटली अगर कार्बोरेटर वाली बाइक है तो मतलब वो पुरानी बाइक होगी, तो पुरानी बाइकों में कभी कभी ऐसा होता है कि जो स्पार्क प्लग होता है ना वो या तो मतलब अपने पोजिशन से वो हिल जाता है या फिर मतलब वो खराब हो जाता है, तो उसके वजह से भी आप लोगों की बाइक जो है वो बेकार माइलेज देती है, है ना। ये वन ऑफ द रीजंस होते हैं जिससे आप लोगों की बाइक का जो माइलेज है वो बहुत ही ज्यादा बेकार आता है। सो आप लोगों को अपने बाइक का जो स्पार्क प्लग है उसको भी आप लोगों जो है वो एक बार चेक उसको करना है कि मतलब वो जो है वो अपने एकदम पोजिशन पे एकदम बना रहे, उसमें एक हुक एक होता है ना, हुक के बीच में जो गैप होता है वो एकदम बराबर एकदम बना रहे। इसी के साथ ही साथ वो जो है वो काला वाला या फिर मतलब उस पर जंग वंग उस पर नहीं लगना चाहिए, जो कि मतलब प्रॉब्लमेटिक डेफिनेटली होता है। अगर आप लोगों का अपने बाइक में अगर नया अगर स्पार्क प्लग लगा लोगे तो वो आप लोगों के माइलेज के लिए ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा महंगा नहीं आता है स्पार्क प्लग, बेसिकली सस्ता ही आता है ना। लेकिन नए स्पार्क प्लग से आप लोगों जो है वो ज्यादा बेटर माइलेज देता है, क्योंकि मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा अच्छे से वो यूटिलाइज कर पाता है। सो ये भी एक तरीका है कि आप लोग जो है वो अपने बाइक का माइलेज जो है वो बढ़ा सकते हैं। इससे एक और तरीका है बेसिकली बाइक के माइलेज को बढ़ाने का, इस तरीके में आप लोगों को जो है वो अपने बाइक चलाने के स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना होगा। हम लोग से बहुत सारे लोग जो है वो क्या काम करते हैं, अक्सर बाइक के क्लच को जो है वो कम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हर कोई जो है वो ये सुना हुआ रहता है कि अगर बाइक के क्लच को ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो बाइक का जो एवरेज होता है वो कम होता है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों को अपने बाइक का जो क्लच है उसको आप लोगों को ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। मेरा ये मतलब नहीं कि आप लोग हमेशा उसी को पकड़ के चलो, लेकिन जैसे अगर मोड़ पे अगर जा रहे हो या फिर मतलब कहीं पर आप लोग देख रहे हो कि आप लोगों को सामने रुकना पड़ सकता है, तो आप लोग जो है वो अपने बाइक के क्लच को पहले ही आप लोग दबा दो, जिससे कि आप लोगों की बाइक जो है वो फ्री हो जाए, मतलब उतना डिस्टेंस जो है वो मतलब आप लोग जो है वो बिना पेट्रोल के जो है वो आप लोग पूरा कर पाओ। क्लच दबाने से बेसिकली क्या होता है ना कि हम लोग जब जब हम लोग अपने बाइक के जो है वो क्लच दबाते हैं, बाइक का फ्यूल जो है वो कट ऑफ हो जाता है, मतलब फ्यूल जो है वो यूज नहीं हो रहा होता है, और जब फ्यूल जब यूज ही नहीं होगा तो ऑब्वियसली तब माइलेज जो है वो कम होगा कैसे। सो अगर आप लोग इस टेक्निक का यूज करोगे ना तो आप लोगों की बाइक का जो माइलेज है वो डेफिनेटली बढ़ जाएगा, है ना, जो ओवरऑल माइलेज है वो डेफिनेटली बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर फ्यूल अगर यूज ही नहीं होगा तो मतलब फ्यूल जो है वो खर्च कहां से होगा, खर्च नहीं होगा तो माइलेज डेफिनेटली ओवरऑल बढ़ ही जाएगा। सो चलो गाइस, आज की वाली वीडियो थी बेसिकली बजाज पल्सर 125 के बुरे माइलेज के ऊपर, कि जिन जिन लोगों को बेसिकली इस वाले बाइक में जो है वो बुरा माइलेज आता है ना, बेकार माइलेज आता है, वो लोग अपने बाइक के माइलेज को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, है ना। और मतलब मैंने आप लोगों को इसके चार एस्पेक्ट बताए जिसके ऊपर अगर आप लोगों का काम करोगे तो आप लोगों की बाइक का जो माइलेज है वो डेफिनेटली बढ़ जाएगा, 50-55 तक जो है वो आराम से पहुंच जाएगा। सो चलो गाइस, अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना, और अगर कोई भी सुझाव कोई भी कमेंट कुछ भी लिखने का मन कर रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला उस जगह लिख देना। चलो गाइस, सी यू सून, सी यू टुमारो, मैं तो आप लोगों से अब कल, चलो गाइस बाय बाय।